जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद मास की अमावस्या कब है, तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में। भाद्रपद मास की अमावस्या को इसे कुश ग्रहणी अमावस्या, पिठौरी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन जो कि कुश ग्रहण करने का विशेष महत्व माना गया है, पूजन के लिए या पितृ कार्यों के लिए जो भी कुश का उपयोग किया जाता है वह भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन ही कुश ग्रहण करनी चाहिए, कुश लानी चाहिए, जो कि वर्ष भर पूजन के लिए तथा पितृ कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ता हो तो उसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है और उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो कि स्त्रियां सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करती हैं, जिससे कि सुख तथा सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार सुबह 5:23 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 7:25 पे अमावस्या तिथि समाप्त है। तो इस बार 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को अमावस्या तिथि पर रही है, तो इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा तथा पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा और पिठौरी अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा। वहीं पे अमावस्या तिथि की समाप्ति 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 7:25 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है, तो उस दिन भी जो कि स्नान दान की अमावस्या होगी। तो जो 2 सितंबर को स्नान दान नहीं कर पाएंगे तो आप 3 सितंबर को स्नान दान का कार्य कर सकते हैं। तो इस बार भाद्रपद अमावस्या में जो कि 2 दिन अमावस्या पर रही है, तो पहले दिन जो कि व्रत की अमावस्या है और उस दिन स्नान दान का भी कार्य कर सकते हैं, और जो पहले दिन नहीं कर पाए तो दूसरे दिन 3 सितंबर को स्नान दान का कार्य कर सकते हैं। 2 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय 2 और 3 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:29 से सुबह 5:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:39 और सूर्यास्त शाम 6:15। अमावस्या तिथि के दिन 2 सितंबर को योग जो कि शिव योग होगा शाम 6:20 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र रात्रि 12:20 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। तो सभी व्रत धारण करने वाले 2 सितंबर सोमवार के दिन व्रत धारण करेंगे और स्त्रियां इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करेंगी तथा जो भी भक्तजन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो सभी 2 सितंबर को मध्याह्न के समय में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।